अर्चना चंद्रा ने लिखा है कि मेरे बेटे ने लॉकडाउन में रामायण और महाभारत दोनों देखी। बोलता है अगर दुखी रहना है तो राम को फॉलो करो, अगर खुश और मस्त रहना है तो कृष्ण को फॉलो करो। ये कहाँ से समझ में आ गया उसको है? कृष्ण का जीवन उठाकर देखो तो कष्ट ही कष्ट हैं और राम के जीवन के कष्ट हैं, लेकिन खुश रहना या मस्त रहना उनकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। राम भी हमेशा प्रसन्न हैं, उनके होठों पर भी हमने कथा में मुस्कान दिखाई है, कृष्ण भी प्रसन्न हैं। वो उनकी आंतरिक अवस्था है, वो उनकी परिस्थितियों से निकली नहीं है, उनकी लाइफ सिचुएशन से संबंधित नहीं है। तो अगर राम और कृष्ण के जीवन को देखें तो राम के जीवन में तो बस वो तो 14 साल वनवास का वक्त है, वही बस थोड़ा सा पैच है, और एक जो लड़ाई लड़ी बस वो पैच है, बाकी तो सब उनकी ज़िंदगी तो सेटल्ड है। और वनवास भी उनका सेटल्ड है, वनवास में भी पत्नी साथ में, भाई साथ में है, तमाम विश्वास पात्र लोग साथ में, कम झंझट है। कृष्ण की कहानी में तो झंझट ही झंझट हमने डाले हैं बचपन से लेके आखिर तक, उपद्रव ही उपद्रव। लेकिन दोनों चरित्रों में, दोनों जो कैरेक्टर्स, दोनों अवतार जो हमने रखे हैं सामने, उनको हमेशा हमने प्रशांत, मुदित, स्थित प्रज्ञ दिखाया है, प्रेम और करुणा से भरा दिखाया है। वो उनकी आंतरिक अवस्था है। तो कृष्ण जैसा होने का क्या उसने सोच लिया? ये तो नहीं सोच लिया उसने बेटे ने कि तमाम गोपियों के साथ वो घूमते रहते थे इसलिए मस्त थे, राम बस अपनी पत्नी के साथ थे इसलिए दुखी थे। तो आज के वक्त में खतरा भी है, ज़्यादा गोपियों के पीछे भागेगा तो फिर उसके लिए और झंझट खड़े हो जाएंगे इस ज़िंदगी में। कृष्ण मस्त थे, प्रसन्न थे, वो अपनी लाइफ सिचुएशंस की वजह से नहीं, अपनी आंतरिक अवस्था से। तो उसने कृष्ण में क्या देखा है उससे पूछिएगा, मस्त रहने का क्या दिख गया कृष्ण में और राम में क्या नहीं दिखा, फिर आपको बात समझ में आएगी। दोनों में एक ही गुण हमने दिखाया है, आंतरिक गुण में कोई अंतर नहीं है। Thank you.